हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखो, इस वीडियो में हम तीन शेयर डिस्कस करने वाले, तीन ऐसे शेयर जो यहाँ से भी डबल हो गए। और एक शेयर है जो 40 रुपये का, है अभी, पर उसमें 200+ तक के टारगेट हमें दिखेंगे। बैंक शेयर है। अब देखो, पहले शेयर हमारा होगा त्रिवेणी टर्बाइन। अब त्रिवेणी टर्बाइन का शेयर देखो, 50 के आसपास था 2020 में, अब ये 440 हो गया। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक बॉक्स का ब्रेकआउट दिया इसने, तो ये बॉक्स का ब्रेकआउट हमें कंसिडर करना ही चाहिए। ये बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट दिया, अब एक बार रीटेस्ट कर सकता है बॉक्स को और फिर ये ब्रेकआउट देगा, और इसमें हमें इमीडिएट टारगेट 600 तक के देखने मिलेंगे। तो यहाँ से भी 150 पॉइंट तक का हेडरूम त्रिवेणी टर्बाइन हमें दिखा सकता है। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे होगा, 390 के आसपास हम स्टॉप लॉस रखेंगे तो सेफ होगा, अगर 600 तक के टारगेट आपको प्ले करने होंगे। और ये जो शेयर है, ये देखो बहुत लंबा बॉक्स था, ये 2023 का मई से लेके ये अभी ऑलमोस्ट सितंबर मिड, तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया और अभी इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। कंपनी देखते हो तो फंडामेंटली मुझे तो अच्छी लगती है। 13,784 करोड़ की कंपनी, 64 का पी महंगा है और बुक वैल्यू भी 23 की है, तो बुक वैल्यू से भी काफ़ी ऊपर है। अब ये जो शेयर था, इसकी फेस वैल्यू 1 है, मतलब इसमें कुछ स्प्लिट और बोनस हुआ होगा, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। त्रिवेणी टर्बाइन का ये शेयर, एक सेकेंड, इसका BSE में लिस्टेड नहीं है शायद ये, नहीं तो BSE में हमें पता चलता है एग्जैक्टली। चलो वो तो आगे भी पता चल जाएगा। इनका मेनली काम है पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का। अब देखो, 50 DMA को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रही है, और 50 DMA से सपोर्ट लेके इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो इसके नीचे का हम भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। डेट फ्री कंपनी है और एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो ये भी पॉजिटिव है, डेट फ्री और एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। यहाँ प्रमोटर ने कुछ स्टेक बेचा है, बट प्रमोटर ने स्टेक बेचा मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस गिर गया, ऐसा नहीं होता। देखो, 42 करोड़ से 49 करोड़, देन 56 करोड़, 63 करोड़, 66 करोड़, देन 71 करोड़, तो कंपनी का प्रॉफिट ही बढ़ा है। और प्रमोटर ने जो बेचा है वो इक्विटी कहीं ना कहीं तो बाय हुई होगी, कोई इंस्टीट्यूट ने बाय किया होगा। देखो, 730 करोड़ के रिजर्व से तो 4 करोड़ की बोरिंग है, तो डेट फ्री कंपनी बोल सकते इसे। और यहाँ देखो, अगर प्रमोटर ने बेचा है तो FII ने खरीदा है, प्रमोटर ने बेचा है यहाँ 67 से बेच के 55 किया, पर यहाँ FIs ने खरीदा है, 26% FIs के पास है, तो बहुत ही ज़बरदस्त। नालंदा इंडिया फंड के पास भी है, और अभी रिसेंट इसमें किसने किया है, फर्स्ट इन्वेस्टर इसने स्टेक बाय किया है, और जुपिटर इंडिया फंड के पास भी इनका अच्छा खासा स्टेक, और DIS के पास देखे तो अच्छे खासे म्यूचुअल फंड के पास इसका स्टेक है, और पब्लिक सिर्फ और सिर्फ 4%। तो ये जो स्टॉक है, ऐसे स्टॉक हमेशा पब्लिक कम दिखेगी, जहाँ भी ये ऐसी चीज़ें होती है वहाँ पब्लिक कम दिखेगी। यहाँ देखो, 2022 में देखो त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज ने कितने सारे शेयर्स बेचे हैं, 86,820 लाख रुपए के शेयर्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हो गई। और रीसेंट में इसमें 2023 में अगर देखा जाए तो प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने यहाँ पे बाय किया था 227 पे, नोमूरा ने बाय किया था, सुंदरम फॉर SBI में, चलो बहुत सारी डील हुई थी 227 पे। तो ये होता है, इसे बाय मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो ऐसे स्टॉक में आप, और यहाँ भी प्लेजिंग का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से, 100% प्लेजिंग का कुछ भी इशू नहीं है, देख सकते हो। म्यूचुअल फंड अच्छी खासी होल्डिंग, रिटेल में सिर्फ 4% रिटेल के पास है, तो अभी भी ये शेयर लिया जा सकता है। अब इसमें इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है फर्टिलाइजर एंड केमिकल। फैक्ट फैक्ट में देखो, ये जब इस जोन में ट्रेड करता था, मतलब मुझे
क्लियर याद है, मैं बोलता था ये शेयर में क्या ही मैं स्टेक लूँ, मतलब परफॉर्म ही नहीं कर रहा। मैं यहाँ जब ये चल रहा था उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी थी, फिर मैं बहुत दिनों तक देखते रहा देखते रहा देखते रहा, फिर बोर हो गया और इसे मैंने छोड़ दिया। और फिर देखो 100 वाला 562 हो गया। अब इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट है, अब सबको अच्छा लगने लगा ये सब। अब जब ये 100 वाला 550 हो गया तब सबको अच्छा लगने लगा, पर 100 रुपये के आसपास किसी को नहीं लेना था, कंसोलिडेशन जोन में था ये। और तभी ऐसा मौका आता है कि ऐसे शेयर बाय और होल्ड कर सकते हैं। अब देखो कंपनी बहुत बड़ी है, 36,648 करोड़ की कंपनी, बुक वैल्यू 19 की 56 का पी, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 83.8% का, तो बहुत ही तगड़ा रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 33%, फेस वैल्यू 10, मतलब आने वाले टाइम में यहाँ आपको स्प्लिट बोनस जैसी कुछ चीज़ें देखने मिल सकती है। अब ये 1943 की कंपनी, फर्स्ट लार्ज स्केल फर्टिलाइजर प्लांट इन इंडिया एट उद्योग मंडल कोची, केरला में इनका प्लांट है फर्टिलाइजर एंड केमिकल का, त्रावणकोर लिमिटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ओके तो ये भी देखो, इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके अंडर ये कंपनी है। तो ये तो जबरदस्त रिटर्न दे चुकी है। यहाँ देखो 46 के CAGR से ग्रो की लास्ट 5 ईयर्स, एक्सपेक्टेड टू बी गुड क्वार्टर, और इनके पूरे पीयर में मार्केट कैप के हिसाब से तो ये सबसे एक नंबर पे है, FACT, फैक्ट। तो अच्छा तो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, मतलब यहाँ से भी ये परफॉर्म कर सकती है कंपनी, तो यहाँ भी आप नज़र रख सकते हो। आज के दिन में भी ये शेयर अच्छा चला है, आज के दिन में भी अगर मैं दिखाऊँ आपको 5 मिनट चार्ट पे, तो ये देखो आज का दे भी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही रहा है। आज तारीख की 15, ये देखो 520 पे खुला और 575 का इसने हाई भी लगाया आज के ही दिन में, तो अच्छा खासा चल चुका है ये आज के दिन। और अभी अगर डिक्लाइन पे मिले तो हमें बाय करना इसे फॉर द टारगेट ऑफ 1000। यहाँ भी प्लेजिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, 90%, बाप रे बाप, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 90%। रिटेल देखो 0.78% रिटेल है, तो ये चल गई है कंपनी, इसका कुछ OFS आ सकता है। क्योंकि प्रमोटर को भी 75% स्टेक करना पड़ेगा एज पर सेबी रूल्स, तो यहाँ प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं, तो यहाँ भी एक नज़र आपकी होनी चाहिए। अब इस लिस्ट में हमारा फाइनल स्टॉक होगा जो मैंने बोला बैंकिंग सेक्टर का, यूको बैंक। यूको बैंक एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन रीटेस्ट किया और अब फिर से ऊपर जा रहा है। देखो यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है अच्छा खासा, ये इसका एक रेजिस्टेंस था, इससे आज पार करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी, देखो इसे क्रॉस किया ऊपर गया और ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब इसमें इमीडिएट टारगेट ये 40 रुपीज़ वाला हमें जाते हुए आराम से ये 100 रुपये के आसपास जाते हुए देखने मिल सकता है ये शेयर यूको बैंक का, इससे भी आपको होल्ड करना है। अब देखो इसने इतना बड़ा कंसोलिडेशन किया है तो आपको 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 40 रुपये पे तो 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए इसमें, और ऊपर 100 तक के टारगेट इसमें आप रख सकते हो ईजीली। और यहाँ भी देखो 48,000 करोड़ की कंपनी, 24 का पी, बुक वैल्यू 21 की है, और कंपनी ये जो बैंक है ये बहुत अच्छा आगे जाके परफॉर्म कर सकता है, इस हिसाब से इसमें बाइंग करना है और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। यहाँ प्रमोटर के पास देखे तो देखो 95% प्रमोटर है, यहाँ भी 95% प्रमोटर, तो यहाँ भी। और ये जो बैंक है ये ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, तो इसे भी आप बाय एंड होल्ड करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म में। और यहाँ देखे जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई है यूको बैंक की, ना यूको बैंक का ही हम देख रहे हैं, ये देखो परफॉर्मेंस हाई,
प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट एवरेज, रेड फ्लैग लो। और यहाँ तो प्लेजिंग का आई डोंट थिंक कुछ प्लेजिंग का कुछ इशू होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास स्टेक है तो प्लेजिंग का कोई इशू इसमें नहीं है। तो ये स्टॉक आप रडार पे रख सकते हो, 100 तक के टारगेट के लिए इजीली अचीव करके देगा।